कोरोना वायरस के प्रकोप ने दुनिया भर के खेल आयोजनों को प्रभावित किया, जिनमें से कई को स्थगित करना पड़ा तो कुछ रद्द कर दिए गए। इसी में चेस का टूर्नामेंट भी शामिल है, शतरंज। बुंडेसलीगा चेस में 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद, जो एससी बैडन के लिए खेल रहे थे, सोमवार 16 मार्च को जर्मनी से घर लौटने वाले थे, लेकिन इस वायरस ने उन्हें जर्मनी में ही रोकने पर मजबूर कर दिया। आनंद फरवरी से जर्मनी में है और अब एक हफ्ते से ज्यादा वक्त के लिए सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। आनंद के हवाले से पता चला है, ये मेरे लिए बहुत ही असामान्य अनुभव है। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि कई अन्य लोगों के साथ ही मुझे खुद को अलग थलग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 50 साल के विश्वनाथ आनंद के इस महीने के अंत तक चेन्नई वापस आने की संभावना है। आनंद की पत्नी अरुणा भी काफी चिंतित है, परेशान है। उन्होंने कहा, वो जर्मनी में है, लेकिन हमें आभारी होना चाहिए कि उनकी स्थिति कई फंसे हुए लोगों की तुलना में बेहतर है। हम उन्हें मिस कर रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह से खाने पीने और बार बार हाथ धोने के लिए कहते रहते हैं। उम्मीद है वो इस महीने के अंत तक भारत लौट आए। आनंद भी अपने परिवार को मिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दिन का एक अहम हिस्सा घर से फोन कॉल का आना है। अपने बेटे अखिल और अरुणा के साथ एक वीडियो चैट करता हूं जब सोकर उठता हूं। आनंद ने कहा, वो एक दूसरे से बात कर काफी खुश हो जाते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आनंद दिन में अपना ज्यादातर वक्त या तो इंटरनेट पर दोस्तों के साथ चैट करने या लंबी सैर के लिए बताते हैं। उन्होंने कहा, कोविड-19 के प्रकोप के कारण दुनिया भर में मेरे दोस्त परेशान हैं। पहली बार हमारे पास इंटरनेट पर दोस्तों से बातचीत करने की संभावना है, ऐसा करना अच्छा है। इसके अलावा मैं दिन में 1 या 2 बार अच्छी लंबी सैर कर लेता हूं। अगर मैं रास्ते में किसी से मिलता हूं तो कुछ मीटर दूर ही रहता हूं। आनंद अपने बेटे अखिल को भी उनकी फ्रेंच परीक्षा की तैयारी में मदद कर रहे हैं। आनंद ने बताया कि उन्होंने फ्रेंच सीखी है और अखिल को मदद करते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।